मेरा अनुमान सत्य निकला। भयभीत हो गया है मेरे बल सेवक कृष्ण, घुटने टेक दिए मेरे सामने उसने, समझौता करना चाहता है वो कृष्ण हमसे। तुम्हारी कायरता का प्रमाण सामने आ गया। जिसे तुम मेरी कायरता समझ रहे हो वो मेरी कायरता नहीं है, मेरी अपने निर्दोष लोगों के प्रति करुणा है, सहानुभूति है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शत्रुता की बलि बेदी पर मेरे निर्दोष लोगों की बलि चढ़ जाए। मेरी इच्छा है कि आप स्वयं अपने हाथों से मुझे मारकर अपने दामाद कंस का प्रतिशोध पूर्ण करो। जिसकी पूर्ति ये युद्ध नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी, किसी और के हाथों मरने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ति तब होगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। कैसी शर्त? मेरे मामाश्री के समान तुम भी मेरे साथ मल्ल युद्ध करोगे। शंभो, मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी विजय के बाद तुम्हें मथुरा और अपना शीश मुझे उपहार में देना होगा। स्वीकार है। तू फंस गया बालक, तू स्वयं ही अपनी मृत्यु के जाल में फंस गया। तू जानता नहीं मेरी शक्ति को। आज तक मुझे ना तो मल्लयुद्ध में कोई पराजित कर सका है और ना ही कभी कोई कर सकेगा। तब तो सदियों का ये महायुद्ध बिना आपके गौरवगान के ही समाप्त हो जाए। कोई भी कार्य गौरवहीन नहीं करता कृष्ण। यदि मैं लड़ूंगा तो अपनी बराबरी के प्रतिद्वंदी से, अन्यथा युद्ध होगा। यदि ऐसी बात है तो आपके योग्य केवल एक ही योद्धा है, मेरे दाऊ बिल्कुल आपके योग्य। उन्हें भी आज तक कोई मल्ल युद्ध में पराजित नहीं कर सका है। तो हुए ना दोनों बराबरी के। तो कहो उसे एक प्रहर के भीतर अखाड़े में आने को। यदि वो आ गया तो युद्ध होगा, अन्यथा तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा शीश। कैसी शर्त रख दी तुमने काना? बलराम तो यहां है ही नहीं, अब क्या होगा? बताओ ना क्या, जिस कृष्ण की धुन में तुम लीन हो गई हो वो मिला क्या? बताओ ना पुत्री। मैं वैद्य राज्य को लेकर आई हूँ। किस लिए माँ? तुम्हारे उपचार के लिए। आइए वैद्य राज्य, आइए। प्रणाम। प्रणाम। देखिए मेरी पुत्री कुछ दिनों से खोई खोई सी विक्षिप्त सी है। औषधि भी थी परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आप इसकी नाड़ी देखकर बताइए कि इसे क्या रोग हुआ है। पुत्री का ये रोग देखकर मेरी तो सांसें ही आधी हो गई हैं। अवश्य। पुत्री चिंता का कोई विषय नहीं है, आपकी पुत्री स्वस्थ है,
फिर इसकी ये अवस्था? मैं इन्हें औषधि दे दूंगा और ये ठीक भी हो जाएंगी, किंतु उससे पूर्व इन्हें देवों के देव महादेव के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने होंगे, उनकी पूजा करनी होगी, उनकी अर्चना करनी होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महादेव के आशीर्वाद के पश्चात इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और ये निरोगी हो जाएंगी। यदि महादेव में इतनी शक्ति है माँ, तो हम अभी चलते हैं। चलिए माँ, चलिए। प्रभु, आपके इस लीला के लिए न जाने हमें और कितने वेश बदलने होंगे। नारायण नारायण। ऐसी गंभीर स्थिति में बलराम भी यहां नहीं है। जरासंध के आक्रमण का संदेशा भिजवाया, परंतु अब तक कोई उत्तर नहीं आया। हो सकता है वो मार्ग में हो। परमात्मा करे तुम्हारा अनुमान सही हो। काना, एक पहर तक बलराम नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि मथुरा को बचा पाना संभव होगा। परंतु पिताश्री, अभी हमारे पास एक पहर तक का दंड विराम है। इस बीच मैया और सुभद्रा के उपचार से हमारे घायल सैनिक वापस लड़ने योग्य हो जाएंगे, इसलिए अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। भगत नरेश, यहां आपने क्या किया? हम युद्ध जीत रहे थे और आपने हमारे शत्रुओं को एक और अवसर दे दिया युद्ध से बचने का। क्षमा कीजिएगा, कहीं युद्ध करने की आपकी इच्छा शक्ति कुंद तो नहीं हुई? मित्र, जो आप सोच रहे हैं वो सत्य नहीं है। ये इनकी सुनियोजित योजना थी। इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु मैं भली भांति समझ रहा हूं। योजना? कैसी योजना? मित्र, युद्ध अभी टला नहीं है। हमें गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि बलराम, जो कि मल्ल युद्ध का महायोद्धा है, महारथी, वो अभी मथुरा में नहीं है और एक पहर के भीतर वो यहां पहुंच भी नहीं पाएगा। इसका अर्थ क्या हो? हम विजयी हुए, मथुरा हमारा हुआ। ओ, ऐसा? और फिर हम कुछ लेंगे कृष्ण की संतति को, उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण द्वारा किए गए मेरे जमाता के अंत को। भाई, ये मल्ल युद्ध ही मथुरा के भाग्य का निर्णय करेगा। किंतु श्री बलराम तो यहाँ है ही नहीं, तो जरासंध से लड़ेंगे कैसे? शुभ समाचार है मगन नरेश, बलराम की कोई सूचना ही नहीं है। हम सा उत्सव मनाओ, हमारी जीत सुनिश्चित है। शंभु, बलराम की कोई सूचना मिली? जी नहीं। अब क्या होगा? एक पैर तो बीतने ही वाला है। जरासंध तो अखाड़े के लिए प्रस्थान भी कर चुका होगा। मगध नरेश, आपकी दिव्य अवधि अब समाप्त हो गई है। हमें अनुपस्थित प्रतिद्वंदी से मिलने जाना चाहिए। अफसा, सेना तैयार रखो। कृष्ण के आत्मसमर्पण करते ही हम उस पर आक्रमण कर देंगे। महारथी बलराम, बुलाओ उसे युद्ध के लिए, अन्यथा शर्त के अनुसार अपना शीश मुझे समर्पित करो। नहीं काना, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। काना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम नहीं जाओगे। मैया शांत हो जाओ, सुभद्रा शांत हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैया, सुभद्रा, मुझे जाना होगा, मैंने वचन दिया है। मुझे जाना होगा सुभद्रा। नहीं काना, नहीं काना, नहीं 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 काना, काना नहीं। कहाँ हो कायर कृष्ण? बाहर आओ और अपने दुर्भाग्य का सामना करो। मैं यहां हूं जरासंध।
अकेले बलराम को नहीं लाए, आत्मसमर्पण करने आए हो। बंदी बना लो इसे। किंतु पहर अभी समाप्त नहीं हुआ है जरासंध। कुछ घड़ी शेष, उस घड़ी के शेष रहने तक करूंगा मैं प्रतीक्षा। तब तक जी लो कुछ घड़ी और बलराम के ना आने के हर्ष में। कृष्ण, देखा देखा तुमने मेरा कौशल, बिना शस्त्र उठाए ही मैंने तुम्हें बंदी बना लिया। अब कराऊंगा दर्शन तुम्हें तुम्हारे लोगों के रक्तपात का, और फिर दूंगा तुम्हारा शेष उपहार में। तुम्हें भय नहीं लग रहा कृष्ण? क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी यहां उपस्थित है। समय समाप्त होते होते रह गया दाऊ, तनिक विलंब और करते तो प्रतियोगिता हार जाते। काना, हराना इतना सहज नहीं है। विलंब तो मैंने जानबूझ के किया ताकि इसके अहम को चोट पहुंचा सकूं मैं। तभी तो प्रतियोगिता का आनंद आएगा। अब जरासंध को पता चलेगा चुनौती देने का अर्थ। जरासंध को कम मत आंको, बलराम के आने से संकट समाप्त नहीं हुआ है। संकट समाप्ति के लिए बलराम का विजयी होना अनिवार्य है।
विशाल। कृष्ण, आपकी पुत्री को कोई रोग नहीं है जिसकी मैं औषधि दूं। फिर उसकी ऐसी दशा? चिंताजनक नहीं है, समय आने पर इनकी दशा स्वयं सुधर जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हे नारायण, मेरा संदेशा मेरे कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। कह दीजिए मेरी लालसा उनसे, उनके दर्शन की। बोलो जरासंध, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? इसके शीश को धड़ से अलग कर देना चाहिए। इसका निर्णय हमारा कान्हा करेगा। महाराज, हम जरासंध के समान अत्याचारी और हत्यारे नहीं है। इसकी विशाल सेना, सेना नायकों और अपने मित्रों के समक्ष बंदी बन जाना ही इसका सबसे बड़ा दंड होगा, क्योंकि अपमान से बड़ा और कोई दंड नहीं होता। क्यों दाऊ, ठीक कहा ना मैंने? जा, जा, समा किया तुझे। परंतु एक बात अपने जीवन में कदापि नहीं भूलना, हम मथुरा वासी शांति प्रिय लोग हैं और इसीलिए तू जीवित बच गया। यदि उकसाओगे चल दूंगा मैं, समझे? सैनिको, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बलराम को सही समय पर भेज दिया। और मथुरा का विनाश होने से भी बच गया। क्यों ना हम इस हर्ष को उत्सव का रूप दे दे? तारा श्री कृष्ण की जय! 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 नारायण, मेरा संदेशा मेरे कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। कह दीजिए उन्हें मेरी लालसा, उनके दर्शन। श्रेष्ठ, अपनी विजय का अर्थ ये मत समझना कि मेरे प्रतिशोध पराजित हो गया। नहीं, बेस्ट, मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा तेरा अंत करने, अवश्य आऊंगा मैं। शंभू!